मेन हमारा बेसिक एम है यहाँ पे जो हमारी फैजलाबाद बेकरी है वापस से उसको एक ऊपर लेवल तक लेके जाना, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो यहाँ पे, जो लेडीज है यहाँ पे, सिर्फ लेडीज ही नहीं, यहाँ के मतलब एक जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो सबके लिए होगा, ठीक है। इससे मोटिवेट हो के आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। इसको मेन एम रखते हुए यहाँ पे मैंने वापस से, जैसे पहले यहाँ पे 3 ट्रेन थी, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इससे और भी ज्यादा ट्रेंड हो, क्योंकि इनकी एक टाइम बिजनेस बहुत अच्छी चल रही थी बिफोर कोरोना। कोरोना के बाद बहुत ही ज्यादा इनका बिजनेस में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, तो उसके बाद से वापस से एम ये है कि इसको हम वापस से जनरेट करें हम सबके लिए, जो वुमेन है, नॉट ओनली वुमेन, यहाँ के जो फैजलाबाद। मैं यहाँ पे आकाश बेकरी में आई हुई हूँ फैजलाबाद। तो जैसे कि हम यहाँ पे ही रहने वाले हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की जा रही है यहाँ पे। ये आकाश बेकरी जो है 2019 में ओपन हुई थी, लेकिन कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ऐसे हालात की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन आज ये बहुत अच्छे वजह से, आज ये जो आर्मी के बड़े ऑफिसर आए हुए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने किया, ये जो हमारे लिए दोबारा से ओपन किया। इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है? इससे जितने भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो रही है, आपको पता है आज में, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से जितनी भी हमारी वुमेन्स के लिए स्टेप लिया गया, तो वुमेन्स को काफी फायदा है इसमें से। तो आज आज की वुमेन्स, जैसे कि सर ने भी कहा कि काफी मतलब कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो अपनी काबिलियत बताना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी वजह के मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से पीछे हट चुकी हैं, जिसकी वजह से अब उनको एक अच्छा मौका मिला, एक उनको अपने अप्रिशिएट किया, मतलब अप्रिशिएट करने का मौका मिला, खुद को वो बताएंगे। उन्होंने तो बहुत बड़ा स्टेप मतलब बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो उनके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब शुक्रगुजार हूँ। थैंकफुल फॉर ऑल, उनकी जितनी भी टीम है उन सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त जो है तकरीबन लगभग देश के, यहाँ हमने और जिनके नाम वगैरह लिखे रखे हैं, यहाँ इसके लिए भी बहुत इंटरेस्टेड है, और इसके अलावा सिलाई स्टिचिंग जो है, हाँ वो उसके लिए ये बेकरी खत्म होगी। इस पर यहाँ के सिविलियन जो है, ये आपको दिखते हैं, ये हमारे जो प्रोमिनेंट सिटीजन हमारी यूथ, दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ डेफिनेटली, व्हेन इट कम्स टू नेशन बिल्डिंग, तो हम सारे आपके साथ ही झंडे से झंडा मिल रहे हैं, एंड वी वेलकम यूअर इनिशिएटिव ऑफ दिस ओपनिंग बेकरी अगेन इन फैजलाबाद, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू सो मेनी फैमिलीज। और जिस तरह आपने कहा कि जो डिफरेंट कुजींस वो आपने है ना, तो ये बड़ा ब्रिलियंट इनिशिएटिव है। मैं आई कमेंट द एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन दिस। और इस तरह सरपंच साहब ने कहा कि सिलाई वाला जो सेंटर है ना, तो उसके साथ साथ अगर यहाँ एक आप हमारे लिए एक इनिशिएटिव हो, अगर यहाँ हमारा हाई स्कूल है वहाँ एक लाइब्रेरी अगर खोल दी जाए, लाइब्रेरी का हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ DDC मेंबर, लेकिन वो हम चाहते हैं कि आपके उस खाते से चले, बाकी जो बुक्स हैं या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है तो वो हम अपने तरीके से आपको, ताकि आपका एक अपना वो एक मार्च रहता है एक ऐसा, और दूसरा एक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप कहीं भी जाए कश्मीर में, हाँ, तो है ना, हाँ, कि इंडियन आर्मी की गेट है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, ना, या ये सोपुर टाउन है या ये है, तो इस तरह फैजलाबाद जो टाउन है यहाँ आप एक इनिशिएटिव लें, और ब्रिज के ऊपर एक आपकी तरफ से गेट हो, जिस तरह TCB के ऊपर एक गेट है ना, तो वो आपकी एक याद रहेगी हमारे लिए, एंड फर्दर strengthen our people and boost them to work with more zest and zeal in nation building, है ना। मैं इसके